नमस्कार दोस्तों, सॉलिड बिजनेस आइडियाज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों, ओला के साथ आप जुड़कर कैसे पैसे कमाएं, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज हम जो 9 पॉइंट आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 9 पॉइंट में बहुत ही डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, जैसे कि ओला के साथ जुड़कर आप पैसे कैसे कमाएं, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरे पॉइंट में बात करेंगे कि ओला से कैसे जुड़ें। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि ओला के साथ आप जुड़कर कैसे जुड़ें और कैसे आवेदन करने के लिए दस्तावेज क्या-क्या लगेंगे। चौथे नंबर पर बात करेंगे कि आप अपनी खुद की कार ओला में कैसे लगाएं और कैसे पैसे कमा सकते हैं। पांचवें नंबर पर बात करेंगे दोस्तों कि ओला कार के साथ कैसे शुरू करें बिजनेस, मतलब खुद ओला खुद देगा अपनी कार और उसको आप चलाकर कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। छठवें नंबर पर बात करेंगे दोस्तों कि ओला में स्टार्ट करने से पहले आपको जरूरी निर्देश क्या-क्या जरूरी हैं। और सातवां दोस्तों बात करेंगे कि ओला में आप कौन-कौन सी कार के टाइप्स लगा सकते हैं। और आठवां नंबर है दोस्तों कि रजिस्ट्रेशन के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। और नवा जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पर हम ओला की साइट पर विजिट करेंगे और वहाँ पर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ओला के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी खुद की कार कैसे लगाएं, उसमें कई तरह के क्वेश्चंस आंसर हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, पूरे डाउट क्लियर होंगे इस सेक्शन में दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करेंगे आपको उस वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे पहला पॉइंट की तरफ। तो पहला हमारा पॉइंट है दोस्तों कि ओला के साथ जुड़कर पैसे कैसे कमाएं। तो दोस्तों आज ओला कार बुकिंग एक आम बात हो गई है। अगर आप किसी भी बड़ी सिटी में जाते हैं तो आप सबसे पहले ओला बुक करते हैं, क्योंकि ओला के आने से ऑटो रिक्शा वाले जो पैसों की मनमानी करते थे वह काफ़ी हद तक कम हो गई है। ओला के साथ मिलकर आप बिजनेस भी कर सकते हैं। ओला के साथ कितनी कमाई, कैसे जोड़ें, इसी तरह की तमाम तरह की सभी जानकारी हम इसे एक वीडियो में बताएंगे। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। तो इसमें हम पूरी जानकारी देंगे कि आप ओला के साथ जुड़कर किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, ओला के साथ आप कैसे जुड़ें। तो ओला के साथ जुड़ने के लिए दोस्तों दो तरीके देती है कंपनी आपको अपनी। या तो आप खुद कार लगाकर रजिस्ट्रेशन करके पैसा कमा सकते हैं, या फिर ओला से कार लेकर भी आप पैसा कमा सकते हैं। तो दोनों ही तरीके से कैसे जुड़े और कैसे कैसे पैसे कमाएं, इसकी हम जानकारी आपको इस पूरी वीडियो में देखेंगे। आप पूरे अंत तक बने रहें इस वीडियो में हमारे साथ। और अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों को, ओला कैब में आवेदन करने से पहले आपके पास क्या-क्या दस्तावेज होना चाहिए। तो दस्तावेज की बात करें तो दोस्तों पहचान पत्र होना चाहिए। पहचान पत्र में आपका आधार कार्ड हो सकते हैं, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है। पुलिस सत्यापन लगता है आपका कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, एक्सीडेंट वगैरह तो नहीं है। पैन कार्ड लगता है दोस्तों, आधार कार्ड लगता है, बैंक स्टेटमेंट, आपके अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट लगता है, और ड्राइविंग लाइसेंस लगता है। तो ये 6 से आपका काम हो जाएगा। और 90 नंबर की जो हम टैब बात करेंगे वहाँ पर भी बात करेंगे कि इससे अलग भी अगर कुछ ओला लेता है डॉक्यूमेंट तो उसके बारे में भी बात करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें दोस्तों। अपनी कार के साथ कैसे बिजनेस स्टार्ट करें, तो अपनी कार की अगर बात करें तो दोस्तों ओला कंपनी बिल की कुल राशि का, जो भी आपका बिल 200 से 250 होता है, तो उसका 8 से 10% कमीशन लेती है अगर आप अपनी खुद की कार लगाते हैं तो, जिसकी गणना ओला ऐप द्वारा स्वयं की जाएगी। इसके अलावा ओला बोनस भी प्रदान करती है। देखिए, सुबह के 12 बजे से रात के 2 बजे और दोपहर के 2 बजे से 12 PM के इसकी कुछ चार्जेस हैं। 5 बुकिंग अगर आपकी करती हैं तो 1700 रुपया एक्स्ट्रा, 7 बुकिंग करती है 2400 रुपये। इस तरीके से कुछ इसके एडवांस ऑफर भी हैं जो कि ओला अपने ड्राइवर को देती है। तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे इस एक वीडियो में। देखिए, हवाई अड्डे तक बिजनेस छोड़ने के लिए भी ओला 500 रुपये एक्स्ट्रा देती है। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस बिजनेस में, आप ओला के बिजनेस में 50 से 95 हज़ार रुपये अपनी खुद की कार लगाकर कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये हुआ दोस्तों इस अपनी कार लगाकर कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। अब अगला पॉइंट है हमारा कि ओला के साथ कैसे बिजनेस करें, मतलब ओला का कार खरीद कर ओला खुद आपको कार देगा तो उसमें कैसे स्टार्ट करें। तो देखिए दोस्तों, ओला की कार लेने के लिए आपको 21 से 31 हज़ार, लगभग 35 हज़ार रुपये देना होगा। एक बार ओला लेने के बाद डेली आपको 1050 रुपये देना होगा 3 साल तक।
एंड एक बुकिंग पर आपको 8% से 10% कमीशन देना होगा। 3 साल बाद आपकी कार हो जाएगी, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों। और कार का मेंटेनेंस भी ओला का रहेगा, अगर वो ड्राइवर के द्वारा कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो। सीएनजी का इस समय ₹42 का रेट है दोस्तों, और एक सिलेंडर ₹1200 का आता है दोस्तों, और 2000 किलोमीटर ओला कार चलाती है। तो इस तरीके से आप ओला कार के साथ भी 50 से 98,000 पर मंथ कमा सकते हैं दोस्तों। तो अपनी खुद ओला कार अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 35,000 देना होगा, और ₹1000 आपके डेली कटेंगे, तो 1000 से 1500, 3000 आप रुपये पर डे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। अगला टॉपिक है कि ओला के साथ बिजनेस करने से पहले जरूरी निर्देश क्या है। तो निर्देश की बात करें तो दोस्तों, आपको बैंक से चालू खाता खोलना होगा, आपको आयकर और सेवा कर संख्या पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा, मतलब पैन कार्ड, क्योंकि भारत में इन कैब कंपनियों के साथ काम करने के लिए आवश्यक है। तो ये जरूर निर्देश बहुत जरूरी है दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है दोस्तों, ओला में लगने वाली कार टाइप्स। तो अगर आप खुद की कार लगाना चाहते हैं, ओला से लेना चाहते हैं, तो इस तरीके की कार लगा सकते हो। ओला प्राइम एक टोयोटो इनोवा या महिंद्रा एक्सयूवी है, ओला सेडान, मारुति स्विफ्ट डिजायर, टोयोटो स्विफ्ट डिजायर, ओला मिनी है जो कि इंडिका मारुति सुजुकी है, ओला पिंक है, और अब ओला ने नया जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है ओला बाइक का भी है। तो आप अपनी अगर बाइक है तो बाइक भी लगा सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि रजिस्ट्रेशन स्टेप्स क्या है। इसको बहुत जरूरी और पूरा देखें दोस्तों, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो स्टेप्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको एक कार खरीदना होगा, या फिर आप डायरेक्ट ओला से कार लेकर भी बिजनेस कर सकते हैं। उसके बाद आपको कार के लिए कमर्शियल व्हीकल परमिट येलो प्लेट लेना होगा। इसके बाद आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके बाद कमर्शियल व्हीकल वाला परमिट होना चाहिए, मतलब जो भी ड्राइवर आप ले रहे हैं उसके पास कमर्शियल व्हीकल वाला परमिट होना चाहिए, या फिर आपके पास कमर्शियल व्हीकल परमिट है तो आप भी ओला कार चला सकते हैं। फिर आपको ओला के ऑफिस में जाना होगा, ऑफिसर आपको एक फॉर्म देगा जिसमें आपको सभी जानकारी भरकर ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट अटैच कर फॉर्म जमा कर देना है। इसके बाद आपको फॉर्म का ओला के ऑफिसर वेरिफिकेशन करने के बाद आपको कॉल करेंगे, और इन सभी पंजीकरण के बाद सप्ताह के भीतर आपको एक एप्लीकेशन के साथ एक नया स्मार्टफोन मिलेगा। कैब अपनी आपको कुछ निरीक्षण के लिए बुलाएगी, वे आपको सभी विवरण, आवश्यक दिशा निर्देश और विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ स्मार्टफोन और अन्य चीज़ें मुहैया कराएंगे। जरूरी निर्देश आपको समझाएंगे, बस अब आपको ओला के साथ पैसे कमाने का बिजनेस स्टार्ट हो गया है। तो ये रजिस्ट्रेशन स्टेप्स थी दोस्तों हमारी। अब हमारा अगले टॉपिक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक हमारा दोस्तों है कि ऑनलाइन विजिट विजिट करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि साइट पर विजिट करने के बाद भी आपको जानकारी पूरी तरीके से प्राप्त नहीं होती है, लेकिन हम एक एक जानकारी आपको प्राप्त कराते हैं। चलिए फिर ओला की साइट पर चलते हैं। तो दोस्तों ये है ओला की साइट। ये 3 तरीके से आप लीज ए कार या ड्राइव विद ओला या अटैच अ फ्लीट, एक से ज़्यादा कार भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर ये साइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी जा सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, नेम, फोन और सिटी आप डालेंगे तो आपको ये जो ओला वाले हैं वो आपको कॉल करेंगे, बात होगी दोस्तों। आज़ादी है काम की और डेली पेमेंट होता है, तो अपना खुद का समय निकालें दोस्तों, कोई से भी टाइम आप ओला कार चला सकते हैं। और एक 100 से ज़्यादा सिटीज़ हैं इंडिया में, डेली पेमेंट होता है 365 दिन, और ट्रस्टेड वाइल पार्टनर, कई पार्टनर हैं जो कि ट्रस्टेड हैं, जो कि चला रहे हैं ओला कार। तो डॉक्यूमेंट की हमने जो बात की थी यहाँ पर भी देख लेते हैं। ओनर जो मालिक है उसका पैन कार्ड लगेगा, चेक, पासबुक लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ लगेगा। जो कार आप लगाना चाह रहे हैं उसमें व्हीकल आरसी, व्हीकल परमिट, व्हीकल इंश्योरेंस होना चाहिए, ड्राइवर के ड्राइविंग लाइसेंस, आधार और एड्रेस प्रूफ, ये 3 चीज़ें लगेंगी। तो इस तरीके से अगर आप अपनी कार लगा रहे हैं तो फिर आपके जो ड्राइवर है उसके ये होना चाहिए, कार का डॉक्यूमेंट ये होना चाहिए, और आप खुद जिसकी कार है उसके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पूरा तरीके से क्लियर है दोस्तों। ये कुछ उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि जो कार चलाते हैं ये बोल रहे हैं कि आई वॉन्टेड अ जॉब देट वुड पे मी फॉर द अमाउंट ऑफ टाइम एंड हार्ड वर्क आई इन्वेस्ट, दैट इज वाई आई चूज अ पार्टनर विद ओला। इन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये इनको एक अच्छा बिजनेस मिल गया है। अब दोस्तों क्वेश्चन आंसर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इन्होंने पूछा है हाउ कैन आई अटैच माई कार विद ओला, मतलब आप खुद की कार कैसे लगा सकते हैं।
तो इन्होंने बताया कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका कार एंड ड्राइवर ऑडिट टू मीट अवर स्टैंडर्ड, मतलब आपका कार और जो आप ड्राइवर है वो उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ड्राइवर की ट्रेनिंग होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग एंड डिवाइस हैंडओवर, ड्राइवर की ट्रेनिंग भी देंगे। तो ये चार तरीके से आपका जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आप अपनी कार लगा सकते हैं। दूसरा है कि हाउ विल आई बी पेड, मतलब एक बंदे का क्वेश्चन है कि मैं पैसे कैसे मुझे ओला देगी, तो आपको डायरेक्ट आउटस्टैंडिंग पेमेंट एंड ऑफ डायरेक्ट बैंक में आपके पास पैसा मिल जाएगा, वो कि अगले 2 वर्किंग डे का पैसा आपको मिल जाएगा। और अगर क्वेरी पूछना है तो आप उनके ऑफिस में जा सकते हैं, पूछ सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन लगने के लिए कितना टाइम लगता है, तो अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दिया तो 2 घंटे में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये बात कर रहे हैं कि कितना पैसा लगेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो रजिस्ट्रेशन इज़ फ्री, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है। और एंड्रॉयड फोन और डेटा कनेक्शन ऑन योर सिम भी फ्री है, मतलब आपको सिम देंगे, डेटा स्मार्टफोन देंगे, रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ फ्री रहेगा। और ये बोलना है कि मैं अपनी अर्निंग कैसे देख सकता हूँ, तो उनकी एक ऐप रहेगी ओला की, उसके माध्यम से आप अर्निंग भी देख सकते हैं। ये आप फिर बात कर रहे हैं कि अगर मैं रेफर करना चाहता हूँ किसी एक दोस्त को तो कैसे कमाए, तो इनका ऐसा कहना है कि टाइम टू टाइम वो रेफर अर्निंग भी प्रोग्राम है, उससे भी आप जुड़कर पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी खुद की कार लगाकर भी पैसे कमा सकते हैं। इसमें ये क्वेश्चंस हो गए। अगला हम बात करते हैं कि आप अगर ओला से कार ले रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या-क्या लेना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ओला से अगर आप कार ले रहे हैं तो ड्राइवर ओनली डॉक्यूमेंट, क्योंकि ओनर तो वो खुद ही है ओला, तो ड्राइवर का लगेगा वैलिड कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, करंट परमानेंट एड्रेस लगेगा, 4 रेफरेंस, रेफरेंस के लिए कोई फ़ोन नंबर एड्रेस दे दीजिए किसी आसपास के, और बैंक डिटेल लगेगा। तो इस तरीके से ये लग जाएगा। ये इतने बंदे हैं यहाँ पर, आप इनका रीड कर सकते हैं कि इन्होंने कार ओला से लेकर किस तरीके से कमाया है पैसा। अगला सेक्शन है हमारा दोस्तों ये क्वेश्चन आंसर वाला, इसमें हम पूरी जानकारी देते हैं। तो ये पहला ये क्वेश्चन है, हाउ डू आई गेट अ कार ऑन लीज फ्रॉम ओला। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। फ्री टेक्नोलॉजी, मतलब मैं ओला से कैसे कार ले सकता हूँ, तो आपके लिए डॉक्यूमेंट देना होगा, वेरिफिकेशन करना होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो पैसा है वो जमा करना होगा, और उसके बाद आपको कार मिल जाएगी वेरिफिकेशन के बाद। ये फिर अगला क्वेश्चन है कि मेरे को डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने पड़ेंगे ओला से कार लेने के लिए। तो आधार कार्ड, कमर्शियल पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रेफरेंस कॉन्टेक्ट एंड बैंक डिटेल, ये सब आपको देना होगा तो आपको कार ले सकते हैं ओला से। ये फिर ये बोलना है कि मैं हाउ मच डू आई हैव टू पे इनिशियली लीज ए कार, मतलब मुझे ओला से कार लेने के लिए स्टार्टिंग में कितना पैसा देना होगा। तो आपको 4,000 नॉन रिफंडेबल हैं, जो कि 4,000 आपके वापस नहीं होंगे, एंड 21 से 31 हज़ार रिफंडेबल, मतलब 21 से 31 हज़ार आपको वापस हो जाएंगे, जो कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर आपसे लिए जाएंगे। तो इस तरीके से 4,000 रुपये ओनली लगेंगे और 21 से 31 हज़ार जितना भी लगेगा वो आपको वापस हो जाएगा। ये फिर अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच डेली रेंटल विल आई नीड टू पे, मतलब मुझे ओला की कार जो मैंने ली है उसके लिए मुझे किराया कितना देना होगा। तो ये 700 से 1150 है, इस रेंज में आपको पैसा देना होगा। डिपेंड करता है सिटी और जो मॉडल आप कार का ले रहे हैं उसका क्या है। ये फिर बोलना है कि वॉट हैपन एट द एंड ऑफ माई लीज, तो ये बोल रहे हैं या तो आप रिन्यू योर लीज, या तो आपका जो लीज है उसको रिन्यू करा सकते हैं, या फिर आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा दोस्तों। ये फिर अगला है कि मैं डेली रेंटल कैसे आएगा, तो ओला विल ऑटोमेटिक डिडक्ट, मतलब ओला आपके ऑटोमेटिकली जो पैसा आ रहा है उससे उसका खुद का रेंट डिडक्ट कर लेगा, और जितना भी बचा हुआ है वो आपको डायरेक्ट बैंक के थ्रू दे देगा दोस्तों। ये फिर बोलना है अगला क्वेश्चन है कि मेरी कार की सर्विस क्या होगी, तो सर्विस ओला पार्टनर मोबाइल ऐप में शेड्यूल है, उसमें आप शेड्यूल के अनुसार जाएंगे तो आपको रेगुलर मेंटेनेंस और रिपेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाउ डू आई हैव टू पे फॉर माई कार सर्विसिंग, तो देखिए दोस्तों, शेड्यूल मेंटेनेंस फ्री है जो कि ओला के द्वारा पेड होगा, चालान पेमेंट, डैमेज टू कार ड्यू टू ड्राइवर नेग्लिजेंस, मतलब कार ड्राइवर के कारण कुछ भी तोड़ फोड़ होती है तो उसमें कार का मेंटेनेंस नहीं कराएगा ओला। हु विल बी द रजिस्टर्ड ऑनर ऑफ द कार विल बी रजिस्टर्ड ऑन द कंपनीज नेम, देखिए ओला फ्लीट टेक्नोलॉजी के नाम से मालिकाना हक होगा इस कार का। और ये बोलना है डेली बुकिंग कैसे हुई, देखिए ओला की ऐप है उसके माध्यम से डेली बुकिंग होगी। तो इस तरीके से हमने देखा दोस्तों कि आप खुद की कार भी लगा सकते हैं या फिर दूसरे नंबर पे आप ओला के साथ कार भी ले सकते हैं। सबसे
लास्ट और मेन इंपोर्टेंट है, आप ओला के साथ एक से अधिक कार भी लगा सकते हैं, तो इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। तो पहले डॉक्यूमेंट की बात कर लें, तो जो ओनर रहेगा, आप अगर एक से अधिक लगा रहे हैं अपनी खुद की कार, तो ओनर के डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, कैंसिल चेक, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ रहेगा। आप कार के डॉक्यूमेंट आपको ये लगाना पड़ेगा, ठीक है। व्हीकल आरसी, व्हीकल परमिट, व्हीकल इंश्योरेंस, और ड्राइवर जो आप अगर खुद हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ये जानकारी आपको देना होगा दोस्तों। और यहाँ पर जिन्होंने ओला फ्लीट मतलब एक से अधिक कार लगाई है, उनके यहाँ पर रिव्यू देख सकते हैं, इन्होंने किस तरीके से 35 कार लगाई हैं 2 महीने के अंदर, इन्होंने 35 कार लगाई हैं और इन्होंने 10 लगाई हैं, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है दोस्तों, क्वेश्चन सेशन। तो हाउ डू आई बिकम ओला फ्लीट ऑपरेटर, इसमें पहला क्वेश्चन है, मैं ओला फ्लीट ऑपरेटर कैसे बन सकता हूँ। तो आप मल्टीपल कार के ओनर होना चाहिए और आप कंपनी में वेरीफाई कराएं और आप ओला कार के इस बिजनेस में स्टार्ट कर सकते हैं। ये बोलना है कि मैं रिसीव कैसे करूँगा डेली बुकिंग, तो आप ओला ऐप के माध्यम से डेली बुकिंग रिसीव कर सकते हैं। और ये बोलना है कि प्रायोरिटी बुकिंग, बुकिंग की प्रायोरिटी क्या है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ओला के पास बहुत ज़्यादा कस्टमर बेस है, तो आपको आसानी के साथ बुकिंग मिल जाएगी। ये बोलना है कि डिफरेंट मतलब अंतर बताइए कि आप ओला एक से अधिक कार लगाएं और ड्राइवर कम ओनर। तो सिंस यू हैव मल्टीपल कार अटैच एज ओला फ्लीट, आपने बहुत सारी कार लगाई हैं, तो रिवेन्यू भी विल भी हाइयर होगा, और इंडिविजुअल कार की तुलना में जो आप लगा रहे हैं उसकी तुलना में इसमें ज़्यादा पैसा आएगा। ये बोलना है कि कोई लिमिटेशन है कार को लगाने के लिए, कोई लिमिटेशन नहीं, आप कितनी भी कार लगा सकते हैं। ये बोलना है कि ओला प्रोवाइड ड्राइवर पार्टनर फॉर माई फ्लीट, ये गारंटी नहीं देते हैं, ड्राइवर आपको खुद को देखना है। और कौन बन सकता है, आप ऐप में उनकी ऑफिस में जाएं ओला के पास, और कोई भी उनकी जो दी गई शर्तें उनको पूरा करेंगे वो इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये बोलना है कैन आई हैव टू ड्राइवर फॉर अ सिंगल कार, एक कार के लिए 2 ड्राइवर कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप सिंगल कार के लिए कितने ड्राइवर कर सकते हैं। ये बोलना है कि मुझे सपोर्ट क्या क्या लगेगा, तो देखिए ओला प्रोवाइड एन ऑपरेटर ऐप, ऐप प्रोवाइड करते हैं मोबाइल फॉर मोबाइल फोन्स एंड वेब पोर्टल फॉर कस्टमर, 24/7 कस्टमर केयर हेल्पलाइन है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, डेडिकेटेड काउंटर है ऑफिस में, एनी रिजोल्यूशन ऑन फील्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, फील्ड पर भी ट्रेनिंग रहेगा, अटैचमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, इस तरीके से ओला आपकी हेल्प करेगा। ये बोलना है कि बिल ओला पे ड्राइवर डायरेक्टली नहीं, आपकी कार है आपको खुद को ये पेमेंट करना होगा। ये बोलना है कि विल आई मेक मोर मनी एज एन ओला फ्लीट ऑपरेटर, द अमाउंट ऑफ मनी यू ऑन ए फ्लीट ऑपरेटर डिपेंड ऑन योर फ्लीट्स परफॉर्मेंस। देखिए आपकी फ्लीट परफॉर्मेंस कितना कर रहा है, कितना कार किस तरीके से आप पैसा कमा रहा है, ये डिपेंड उस पर करता है। और यस, ये कंटिन्यू कर सकते हैं आप इसके साथ बिजनेस करने के लिए दोस्तों। तो इस तरीके से हमने ओला की वेबसाइट पर जाकर भी पूरी जानकारी प्राप्त की है। मैं इन तीनों की ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक को जाएं और वहां पर पूरी जानकारी प्राप्त करें। अभी हम लौटते हैं हमारे उसी सेक्शन की तरफ जहां हमने उसको छोड़ा था दोस्तों। इस तरीके से हमने ऑनलाइन जाकर ओला की साइट विजिट भी कर ली। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो के लिए हम फिर मिलेंगे दोस्तों। जय भारत, जय हिंदुस्तान। घर बैठे पैसे कमाने के टिप्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें।